क्या है वो आपको देखने को मिलेगा वेब सीरीज में। आपकी वेब सीरीज आई थी भोकाल, उसमें आपका जो कैरेक्टर था वो डेढ़ा वाला था, तो इसमें आपका क्या रोल है? पहले से जो आपने बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया, कई दिन से मतलब आपका शुक्रिया, क्योंकि 3 से 4 साल लग गए थे उसे करने में, वेट बढ़ाना सब कुछ प्रोसेस में, और ऊपर से कोरोना आ गया तो और लंबा खींच गया थोड़ा, तो कुछ लोग मानने लगे शायद ये काम वाम छोड़ के आ गया अभी मिसफिट है, तो वो तो रही उसकी बात ही है। बाकी इसमें मेरा क्या किरदार है वो सर भरोसा इस पर डाले विकास। यानी किरदार जैसे कि आपने पहले भी सवाल किया कि किस पे आधारित, नौजवान कौन, नौजवानों में से 2 नौजवानों की कहानी है और उनमें से एक प्रदीप नागर प्ले कर रहे हैं जो कि मुख्य भूमिका में है, और किस तरीके से वो अनफोल्ड होगी चीज़ें वो आपको जब आप वेब सीरीज देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। सर वेब सीरीज कब होगी? ये जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सर ने कि हम लोग जैन में दे देंगे ओटीटी को, देन दे विल डिसाइड कि कब करना है, उसका अपना एक पाइपलाइन होता है, बट होपफुली मतलब सून, वेरी सून। हमारी प्रेफरेंस देखो वहाँ के लोग तो यहाँ आते रहे क्योंकि शूट अब से नहीं, मुझसे बहुत साल पहले से यहाँ हुआ है और बहुत पुरानी फिल्मों का हुआ है, कोई भी चीज़ जब आती है तो लाभ तो सबको होता है, आसपास के लोगों को बिल्कुल लाभ होगा भाई, लेकिन जो योगी जी ने जो करा है उसी को बढ़ावा देने के लिए हमने, हमारे पास क्या था सबकी या और कई चीज़ों के लिए और कई जगह है जहाँ पर हम जाके कर सकते हैं, जैसे इससे नेक्स्ट शो हम लोग बिहार के ऊपर कर रहे हैं, बट बिहार के ऊपर ना करके उसको 20% वहाँ करें, 80% यूपी में कर रहे हैं, जिससे योगी जी को भी बल मिले, यहाँ की चीज़ें और हो पाएँ। आप खुद बताइए यहाँ कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है, आपकी कोई एक जगह हमने नहीं छोड़ी है जिसको हम पूरी दुनिया को ना दिखा पाए, लोग देखेंगे आएंगे, हमने शुरुआत करी है इंटरनेशनल लेवल पे, अभी लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। बाकी योगी जी ने जो फिल्म वालों के लिए किया वो बहुत अच्छा है कि हम लोग आए प्रशासन को चीज़ें बोली तो ऐसे झटझट होती चली गई, तो ये यश पवार जी बैठे जिन्होंने चीज़ें बड़ी आसान कर दी यहाँ पे, है ना, और पुलिस प्रशासन का बहुत ज्यादा साथ मिला, चाहे वो अमरोहा हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, मेरठ, तीन से चार डिस्ट्रिक्ट में किया है, चारों जगह हमको प्रशासन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, चाहे कोई भी हो, सब एसएसपी वगैरह जितने भी में मेरे समय में थे, आदि चलांगे जी हो, दीपक कुमार हो, क्या डीएम की मेधा रूपम जी, उन्होंने आईजी अपना राजेश पांडे जी, सब लोगों ने एकदम, बुलंदशहर के जो एक एसएसपी थे आलोक, उन्होंने सबने बहुत अच्छा है सपोर्ट इसके साथ, और हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपने जो इसकी शुरुआत कब से की और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? शूट की नहीं, जो आपने जो आपका कैरियर रहा है, आपने जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कदम रखा है, जो भी आपकी जो भी है, उसमें सबसे आपने शुरुआत और ये प्रेरणा कहाँ से आपको? वो तो एक बहुत लंबी कहानी है, उस पर भोकाल के दौरान बहुत सारे इंटरव्यू भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट शॉर्ट में ये है भैया कि मैं पिक्चरें इतनी देखता था कि देखते देखते फेल हो गया 2 बार, तो ये मेरे मन का काम था, और उसके बाद कुछ पिताजी से बातचीत हुई, उनको बहुत चीज़ें ऊपर नीचे लगी, तो उस दिन एक मोमेंट सबकी ज़िंदगी में कैसा आता है जहाँ लगता है कि यार अभी कुछ करना, क्या करना है पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा आदमी बनना, सबसे बड़ा आदमी होते कौन है ये भी नहीं पता, और दादी कहती थी कि अच्छा तू बनेगा कलेक्टर, तो कलेक्टर क्या होते हैं जी, IAS होते हैं, IAS की तैयारी करी, उनके लिए सबके बहुत ज़्यादा रिगार्ड है कि वो एक अपनी पोस्ट है, अपनी चीज़ें हैं उसकी और देश को चला रहे हैं, बट आप लोग पत्रकार हैं शायद आपको ज़्यादा पता होगा IAS का नाम, मतलब नॉर्मल आदमी से पूछो कि कितने IAS के नाम जानते हो, तो 1, 2, 3 उनसे पूछो कितने हीरो के नाम जानते हो, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सलमान खान, ये वो, उनके यार फेमस तो ये होते हैं, ज़्यादा बड़े ये होते हैं, उस वक्त का जो दिमाग ने साथ दिया, तो फिर इसकी अब एक्टर कैसे बनते हैं ये भी नहीं पता, क्योंकि आज तो इतना आसान है कि आप गूगल पे कुछ ही बोलो झट से 10 चीज़ आपके सामने होती है, स्कूल ये वो सारी गाइडेंस, उस वक्त ना फोन था मेरे पास, तो अवेलेबल नहीं था, आया भी 5 साल में तो रोक के 1100 आया, तो पहुँचे NSD गए तो हाई स्कूल फेल हुए थे, उन्होंने फॉर्म दे दिया, मैंने 100 रुपये दे दिए, उन्होंने बोला क्या किया हुआ है, मन की जी क्या चाहिए आपको ये बताओ, तो बोला ग्रेजुएशन, ये हाई स्कूल फेल है, लाओ 100 वापस दिए फॉर्म, वापस एक उम्मीद जो मिली थी फिर टूट गई, तो वापस फिर एक लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा, चंद्र संगीत महाविद्यालय है, संदीप सिंहवाल जी वहाँ पे थिएटर चलाते हैं, तो वहाँ मैं गया, वहाँ ज्वाइन किया, और उसके बाद थिएटर का, उसके बाद 2009 में बॉम्बे जाके 4-5 सीरियल मिले, यशराज की दो कुछ और छोटा छोटा चलता रहा, फिर इम्तियाज़ अली की हाईवे मिली,
हाईवे के बाद फिर भोकाल वन मिली, फिर भोकाल टू मिली। उससे पहले एक बॉलीवुड की फिल्म करी थी मैंने सैम शिव के नाम से, एलिफेंट कंपनी। एंड उसके बाद फिर सर से मुलाकात हुई, तो सर के वहाँ पे जाके ऑफिस में स्ट्रगल करता था, जेपी दत्ता साहब के वहाँ पे, तो सर सर्विस सर थे वहाँ पे क्योंकि एसोसिएट डायरेक्टर थे, तो वहाँ से सर से बात हुई। तो फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातचीत होती रही क्योंकि उनको काम मांग दिया था मैक टॉक के, थोड़ी थोड़ी बातचीत वहाँ से होना शुरू हो गई हमारी आपस में। इन्होंने फिर एक कहानी बताई कि मैंने उस बैकड्रॉप पे एक कहानी लिखी, तो मैंने पढ़ी। उस वक्त हम नहीं कर पाए, लेकिन कुछ साल बाद एक मौका आया तो सर दोबारा सर ने बताई, तो फिर ये शुरू करते हैं आपको मौका दिए। अच्छा, जो आपके मतलब जो लोग बनना चाहते हैं, हाँ आपके अनुभव भी है सर, मतलब कोशिश कर रहा हूँ अभी तो लंबा लंबा सफर है। मैंने भी देखा है, तो उसमें जो नए लड़के हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए या बिना प्रयास के तो दोस्त कोई चीज़ है ही नहीं। आपने प्रयास करा, जब आज इस चीज़ पर बैठ के आप सवाल पूछ रहे हैं, या मैंने प्रयास करा तो मैं इस चीज़ पर बैठ के जवाब दे पा रहा हूँ। उन लोगों के लिए मात्र मेरा एक ही चीज़ कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर कोई शॉर्टकट है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। लंबी रेस का घोड़ा बनना, वो बोलते हैं ना कि मेहनत करने वाले मतलब एक दिन में नहीं जीतते, लेकिन एक दिन जीतते जरूर है। तो लगातार मेहनत करो, अगर इसी क्षेत्र के तो हिंदी अच्छी होती है, और जितनी हिंदी अच्छी है उसमें हिंदी अच्छी करें। दो साल सब कुछ छोड़ के किसी भी थिएटर को ज्वाइन करें, अच्छे को अच्छे टीचर के साथ रहें, और दो साल खाना पीना उठना बैठना सब कुछ अभिनय में करें। पहले अपने आप को ट्रेन करें, फिर जाए बॉम्बे का। आप भी एक्टर हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री में, किस एक्टर को सबसे ज्यादा पसंद है? यार मैं तो शाहरुख खान को बहुत ज्यादा जब देखता था फिल्म में उस वक्त, उन दिनों तो शाहरुख खान साहब बहुत पसंद थे। इन दिनों बहुत सारे एक्टर और आ गए हैं लिस्ट में, जब मैंने शुरू किया था जब शाहरुख साहब बहुत पसंद। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है सबसे ज्यादा अगर जो क्रेज है वो वेब सीरीज का, आपकी भोकाल भी जो सुपर सुपर हिट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये नई आ रही है, आप क्या उम्मीदें हैं, क्या बातें यार? उम्मीद तो जो पीछे किया हो तो उससे आगे की होती है सबको, तो इस बार और अनुभवी डायरेक्टर है मेरे साथ में, इस बार हमने और अच्छी कहानी चुनी है, और अच्छी कास्ट करी है, और अपनी मिट्टी की बात कह रहा हूँ वापस, तो देखते हैं। उम्मीद तो हमेशा अच्छे के लिए होती है, तो मुझे भी है भाई, बल्कि पूरी टीम को अच्छी उम्मीद है। और खून पसीने लगाने आज शायद 100 दिन हो गए हमको यहाँ पे, तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं आपके यहाँ पे, और इससे पहले जो तैयारी करी है 6 महीने वो अलग है, इसके जाने के बाद जो 4 महीने तैयारी होनी है वो अलग है। तो कुल मिला के जो 2 साल का होगा तो उसका सबको मेरी छोटा ही रिजल्ट अच्छा ही होगा।